मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 25 सितंबर को शौच करने को लेकर पीट पीट कर हत्या से मध्य प्रदेश में आक्रोशित वाल्मीकि समाज के लोग सड़क पर उतर आए और गुस्सा प्रकट किया। उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि ने शाहजहांपुर में बहादुरगंज स्थित हिरितिमा रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता की और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि दो दबंगों ने दो बच्चों रोशनी और अविनाश की हत्या निंदनीय है, यह किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने के साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की, साथ ही पीड़ित परिवारों को सुरक्षा देने की भी मांग की। वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष ने मांगे न माने जाने के लिए स्थिति में आंदोलन की चेतावना भी दी। शिवपुरी जिले के भावखेड़ी गांव में पंचायत भवन के सामने शौच कर रहे 11 और 12 वर्षीय दो बच्चों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपियों हाकिम यादव और रामेश्वर यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों ही बच्चे दलित समुदाय के थे। शिवपुरी वाली घटना जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे हैं, उससे पहले अखबार के माध्यम और सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा गया था और पढ़ा गया था कि वो दोनों बच्चे उनके दरवाजे की तरफ शौच के लिए खुले हुए थे। उसी समय कयास लगाए जा रहे थे कि 11 साल की बच्ची किसी भी दरवाजे पर शौच के लिए खुले में नहीं जाएगी। उसके बाद उनके पिता से प्रशासन के सामने जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि हमारी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, रैप की कोशिश की गई, उसमें हमारे बच्चे ने देख लिया, इसलिए उन दोनों को मौत की घाट उतार दिया। लड़की के भाई और लड़के के जो पिता मनोज कुमार वाले उन्होंने बताया कि जब वो हमने उस लाश को देखा तो उसका कमरबंद भी टूटा हुआ था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। पूरी आशंका उसके साथ छेड़छाड़ की है, दुराचार है। इस मामले में पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई की? इस मामले में वहाँ की पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? वहाँ के लोग इस मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज करके दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया। अभी तक कितना मुआवजा मिला उन्हें और कितनी की डिमांड है आपकी? उनकी डिमांड 50 लाख रुपए की, अभी उनको 8.5 लाख रुपए बताया गया कि उनके खाते में डाल दिया गया है। उनसे कहा पासबुक कहा तो उन्होंने पासबुक को डीएम साहब पास।